28 मार्च तक रिमांड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिनों की रिमांड, कोर्ट ने 28 मार्च तक की दी मंजूरी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में केजरीवाल से होगी पूछताछ, अपने वकील से शाम 6 बजे से 7 बजे तक मिल सकेंगे केजरीवाल, हर रोज आधे घंटे पत्नी और निजी सचिव से भी मिलने की इजाजत। केजरीवाल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है अर्जी, सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के एसपी के सिंह को हटाने की मांग की गई, अदालत लाते समय बदसलूकी का भी आरोप। आज भी आम आदमी पार्टी जताएगी विरोध, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप विधायक और पार्षद सुबह 10 बजे जाएंगे दिल्ली के शहीदी पार्क, तानाशाही के खिलाफ लेंगे शपथ, इंडिया गठबंधन के दलों को भी बुलाएंगे। 25 मार्च को होली कार्यक्रम नहीं मनाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता, लोगों से जगह जगह मिलकर देश को बचाने की करेंगे अपील, 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करने का प्लान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 25 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर जरूर होमे गोपाल गाएं और देखें कि दिल्ली की जनता कितने उमंग और उल्लास के साथ मनाएगी होली। आज खत्म हो रही है बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत, दोपहर बाद कोर्ट में किया जाएगा पेश, फिर कविता की रिमांड मांग सकती है। के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है ईडी, 15 मार्च को हैदराबाद से ईडी ने के कविता को किया था गिरफ्तार। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी एक्साइज पॉलिसी की जांच की मांग, दोपहर 12 बजे पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील झाकड़ राज्य चुनाव आयोग से मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, एक्सपर्ट लिखा 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। नई सियासी हालात के बाद आपके शीर्ष नेताओं की बढ़ सकती है जिम्मेदारी, अब तक राजनीति से दूर रहने वाली केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की नई भूमिका संभालने की अटकलें हुई थी। कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंचे विपक्षी दलों के नेता, विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप का किया आग्रह। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में किया मार्च, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए जेल से सरकार चलाने में नहीं होगी कोई मुश्किल। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव में मोदी जी को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, जनता सब देख रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा ईडी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, हमें न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो शुरू हो चुकी है मोदी सरकार की उल्टी गिनती। कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया, स्मृति ईरानी ने कहा कि कोर्ट में खास जवाब नहीं दे पाए केजरीवाल के वकील। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कानून कर रहा है अपना काम, शराब घोटाले का सच सबके सामने आएगा। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का हमला, कहा जेल से गैंग चलाया जाता है सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाहिर किया विरोध। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले सीएम एमके स्टालिन, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का एकमात्र कारण बीजेपी का हार का डर है। बिहार की राजधानी पटना में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध, आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, खाताबंदी पर कांग्रेस की खबर दबाने के लिए रचा गया गिरफ्तारी का ड्राफ्ट। पंचकुला में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, प्रदर्शनकारियों में पंजाब के कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा केजरीवाल जी जितने कॉम्पिटिटेंट हैं जेल में बैठकर भी उड़ा देंगे बीजेपी की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार को बताया तानाशाही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पीएम मोदी पर निशाना, कहा व्लादिमीर पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा बीजेपी हर उस इंसान को फंसाएगी जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ तो बीजेपी करेगी तोड़फोड़। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा तंज, कहा झूठे मुकदमे लगाने का बीजेपी ने बनाया है रिकॉर्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए रचा गया नाटक। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा निर्वाचित सीएम के खिलाफ चुनाव पूर्व ऐसी कार्रवाई पर निर्वाचन आयोग को करना चाहिए हस्तक्षेप। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल मामले पर कहा समन आने पर होना चाहिए था पेश। आप नेताओं को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का जवाब, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भ्रामक और विडंबनापूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है, भारत के सहयोग से बने थिम्पू में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की सौगात दी। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किए गए पीएम मोदी, सम्मान के बाद बोले पीएम मोदी भारतीय के नाते मेरे बहुत बड़ा दिन। भूटान के सर्वोच्च सम्मान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा इससे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं, जब किसी अन्य देश से पुरस्कार मिलता है तो दोनों देश की सही दिशा का पता चलता है। भूटान में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा का बयान, कहा भूटान में पीएम को सम्मान भारत के लिए गौरव की बात, भूटान से भारत के रिश्तों को मिलेगी मजबूती। भूटान दौरे के पहले दिन थिम्पू में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, पीएम मोदी के स्वागत में आए लोगों का पीएम मोदी ने अभिवादन किया। भूटान में पीएम मोदी के आगमन पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, थिम्पू में कलाकारों ने पीएम मोदी के भूटान की संस्कृति से उन्हें रूबरू करवाया। भूटान के थिम्पू में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने प्रस्तुति दी, हिंदी और गुजराती गानों पर भी कलाकारों ने जमकर डांस किया। भूटान के राजा जिग्मे वांगशुक और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, बैठक भी हुई, चीन सीमा विवाद से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बैठक में जेपी नड्डा अमित शाह के अलावा पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर, अयोग्य ठहराए गए 6 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायक आज बीजेपी में होंगे शामिल। हिमाचल के तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात। तीन निर्दलीय के इस्तीफे के पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऊपर के दबाव में निर्दलियों ने दिया इस्तीफा, पूछा क्या नोट के लिए उठाया कदम। हिमाचल में सियासी घमासान के बीच जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। ओडिशा में सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी बीजेपी, बीजेडी से गठबंधन पर नहीं बनी बात, ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी। लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा ये चुनाव मेरे बस नहीं, 77 साल की उम्र का दिया हवा। सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, सीपीआई महासचिव डी राजा ने किया ऐलान। पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की राजनीति करने वाले कुछ दलों ने इंडिया गठबंधन को दिया अपना समर्थन, खड़गे ने समर्थन के लिए आभार जताया। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, गैसदी राकेश यादव वहां से लड़ेंगे, ददरौल से अवनीश वर्मा और दुद्दी से विजय सिंह गौड़ को टिकट दिया। अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की, करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। तेलंगाना में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में बवाल, 3 उम्मीदवार डॉक्टर नागेंद्र, सुनीता रेड्डी और रंजीत रेड्डी को टिकट देने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने खड़गे को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा, देश भर में 400 पार और महाराष्ट्र में 45 सीटों पर एनडीए को मजबूत करने के लिए लोगों ने बना लिया है मन। एमपी के धार में विवादित भोजशाला का एसआई ने सर्वेक्षण किया, सर्वे का आज दूसरा दिन है, सर्वे आज भी जारी रहेगा, भोजशाला के सर्वे के लिए एसआई की टीम में 10 सदस्य शामिल। हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहे भोजशाला के सर्वे में जीपीएस और कार्बन डेटिंग उपकरणों का हो रहा इस्तेमाल, सर्वे के दौरान एएसआई टीम के साथ जिला प्रशासन मौजूद था।
यूपी के बदायूं में डबल मर्डर केस के आरोपी जावेद की कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूट्यूबर एल्विश यादव को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने सांप के जहर मामले में जमानत दी है। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर 6 दिन के बाद जमानत दी। आज दोपहर 12 बजे जेल से एल्विश यादव की हो सकती है रिहाई। रामेश्वरम ब्लास्ट के आरोपियों की तस्वीरें आई सामने। दो आरोपियों मुसाबिक हुसैन और अब्दुल की हुई पहचान। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चेन्नई की एक लॉन्च में रुके हुए थे दोनों आरोपी। बेंगलुरु के बेगूर थाने में कांस्टेबल से चली गोली। थाने में राइटर के पैर में लगी गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाने में सिविलियन के पिस्टल की जांच के दौरान घटना हुई। यूपी के उन्नाव में सरस्वती मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं को किया जा रहा है प्रताड़ित। मामले में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ कंवर निलंबित हो गए हैं। मामले में जांच की जा रही है। हैदराबाद में जाबाज माँ और बेटी, घर में घुसे हथियारबंद लुटेरों से भिड़ पड़ी। लूटपाट करने के लिए घर में घुसे थे लुटेरे। पुलिस ने माँ बेटी को बहादुरी के लिए सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संध्या एक्वा इंडस्ट्री पर सीबीआई रेड। विशाखापट्टनम पोर्ट पर ड्रग से भरे कंटेनर के बाद एक्शन में आई सीबीआई। संध्या इंडस्ट्री पर ड्रग सप्लाई का शक। बिहार के सुपौल में पुल ढहने की घटना की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की समीक्षा। अधिकारियों से ली घटना की जानकारी। कहा अचानक से यह हादसा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। पुल हादसे में मृतक के परिजनों को दिया जाएगा 10 लाख का मुआवजा। घायल मजदूरों को 1-1 लाख का मिलेगा मुआवजा। बिहार के सुपौल में शुक्रवार को गिरा था प्रदेश का सबसे बड़ा पुल। हादसे में एक मजदूर की मौत, 9 घायल हुए थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई के शिमपोली मेट्रो स्टेशन के पास पानी की पाइपलाइन फटी। सड़कों पर भारी जल जमाव, लोगों को भारी परेशानी। मुंबई से उत्तर प्रदेश जाने वाली गोदान एक्सप्रेस के आखिरी बॉगी में लगी आग। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं, कोई हताहत नहीं। ओडिशा के खुर्द में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। आग पर काबू पाया। आज दोपहर 2 बजे जारी हो सकता है बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट। इस साल 13 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। इसरो की एक और उड़ान। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से ड्यूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का किया सफल परीक्षण। अयोध्या में कचनार के फूलों से बने विशेष गुलाल से खेलेंगे होली रामलला। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के लिए विशेष गुलाल भेजा है। प्राचीन समय में कचनार वृक्ष को बनाया जाता था राजकीय वृक्ष। यूपी के प्रयागराज में मनाया जा रहा है होली का त्योहार। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने मनाई होली, जमकर एक दूसरे को लगाया रंग। वाराणसी में भी होली की धूम देखने को मिली। 80 घाट पर खेली गई रंग और फूलों की होली। रंग मंच पर दिखी पीएम मोदी की तस्वीर। छात्रों ने जमकर किया डांस। आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। 174 रनों के लक्ष्य को चेन्नई ने 8 गेंद पहले ही कर दिया हासिल। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके की पहली जीत। पहले मैच में सीएसके का शानदार प्रदर्शन। चेन्नई के लिए रचिन रविंद्र ने 37, अजिंक्य रहाणे ने 27, शिवम दुबे ने नाबाद 34 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 25 रन बनाए। गेंदबाजी में चेन्नई के लिए मुस्तफिजुर ने 4 विकेट छक्के। आईपीएल 2024 से पहले मैच में विराट ने 20 गेंद पर 21 रन बनाए। विराट ने T20 करियर में 12,000 रन किए पूरे। ऐसा करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के केवल 6वें बल्लेबाज बन गए। बेंगलुरु की तरफ से दिनेश कार्तिक और युवा खिलाड़ी अनुज रावत ने अच्छी बल्लेबाजी की। अनुज रावत ने 25 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। वहीं कार्तिक ने 26 गेंद में 38 रन बनाए। चिपॉक में बरकरार रही चेन्नई की बेंगलुरु बादशाह। साल 2008 के बाद अब तक बेंगलुरु की टीम ने सीएसके को चेन्नई में मैच नहीं हरा पाई। आईपीएल में आज पूरी दुनिया की नजर ऋषभ पंत पर रहेगी, जो करीब 14 महीने के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में सड़क दुर्घटना में चोटिल हुए पंत इस साल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं।
दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर आज पंजाब किंग्स से होगी। मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से पंजाब होगा। दिल्ली के पंत और पंजाब के कप्तान शिखर धवन इस बार पहले आईपीएल खिताब का इंतजार है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दूसरी टक्कर है। शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने परफॉर्म किया। इसके अलावा एआर रहमान, सोनू निगम, मोहित चौहान और नीति मोहन जैसे सिंगर्स ने अपने हिट गानों से दर्शकों का मन मोहा। आईपीएल में कमेंट्री में पहली बार होगा एआई का इस्तेमाल। एआई की मदद से विदेशी कमेंटर्स क्रिस गेल, स्टीव स्मिथ, केविन पीटरसन और ब्रेन लारा को दर्शक उनकी आवाज में हिंदी बोलते सुन पाएंगे।